नमस्कार, ऋषि अमृत बुटी शिव संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम एक औषधि लेके आए हुए हैं और उस औषधि का नाम है गंधक। गंधक का हम आप एक प्रयोग बताएंगे। ये बहुत ही आम और सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से आप अपने त्वचा में किसी कारणवश से कोई भी एलर्जी या खुजली या फुंसियाँ या किसी प्रकार के दाने या दाग धब्बे पैदा हो रहे हैं आपके शरीर में, तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही सरल और सुरक्षित है। आप इसको देख रहे होंगे, ये गंधक है। ये आपको वंसारी की शॉप में जड़ी बूटी जहाँ मिलती है वहाँ पर आप इसको मिल सकता है। ये गंधक है, ऐसा गंधक आएगा। इस गंधक को हम सेवन सिर्फ लगाने के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि इसे खाने के प्रयोग में नहीं लिया जा सकता जब तक इसको हम शुद्ध ना कर ले। सबसे पहले अगर हम इसको सेवन करने के लिए इसे शुद्ध करना होता है, तो इसलिए आप इसे सिर्फ लगाने के लिए ही सेवन करें, क्योंकि अशुद्ध गंधक को खाया नहीं जाता है। इसे पहले शुद्ध किया जाता है। इसको शुद्ध करने के लिए हमें डोला यंत्र का प्रयोग करना होता है। तो डोला यंत्र के प्रयोग से गंधक जब शुद्ध हो जाता है, तभी इसका हम सेवन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बाहरी जो त्वचा में इसे सिर्फ लगाना है। तो गंधक लेना है। गंधक लेने के बाद हमें नारियल का तेल ले लेना है। थोड़ी सी मात्रा में गंधक लेंगे हम। एक रत्ती गंधक में 2 चम्मच हम कोकोनट ऑयल गरी का तेल मिलाएंगे और उसको अच्छे से खल में पीस लेंगे। खल में पीस करने के बाद, घोटने के बाद, जब इसका अच्छा सा लेप तैयार हो जाए, तो 1 cc में हम इसको रख लेंगे। जहाँ पर भी आपके त्वचा में धब्बे, दाग, कूड़ा, फुंसी, एलर्जी, किसी प्रकार के त्वचा रोग पैदा हो रहा हो, आप उसमें इसको लगा सकते हैं। तो आपको उस रोग में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और आपका त्वचा रोग धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। बहुत ही आयुर्वेदिक ये चमत्कारी नुस्खा है। इसका प्रयोग करके आप त्वचा रोग से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार।